तो मैं यहाँ पे आई गोइंग थ्रू वेरी की कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर सुन रखे हैं तो मतलब ये चीज़ें तो रिवीजन की तरह होगी। अगर पहले कभी ज्योमेट्री नहीं किया है, आप में से कौन है जिसने कभी ज्योमेट्री नहीं किया है या लेक्चर नहीं देखा है? एनीवन? हेलो, हाँ, आवाज बहुत कट कट कर रहा है। हाँ जी आवाज सर, बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? हेलो, हाँ ठीक है। अभी बताओ ना एक बार। ठीक है। अच्छा, मतलब ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है जो मैं अभी अभी वाला ठीक है? अभी अभी वाले वाला हाँ सर, ठीक है, अभी वाला ज़्यादा ठीक है ना? हाँ, तो पहले ये बताओ कि किसने कभी लेक्चर भी नहीं देखा है और क्लासेस भी नहीं अटेंड की? कौन है उनमें से ऐसा कल्प्रिट? यानी सबने सबने पहले देख रखा है एक बार लेक्चर, ठीक है? तो मैं दो तरीके से इस क्लास को लूंगा। एक तो मैं बताऊंगा कि की कंसेप्ट क्या है, और दूसरा जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना? तो जिसमें पैरेलल लाइन अगर है तो उसका डेफिनेशन क्या हुआ कि देयर विल बी सेम डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो ये कभी मर्ज नहीं होगा एक दूसरे में, देयर विल गो पैरेलल टू ईच अदर। और अगर पैरेलल लाइन है तो अगर आप एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हो दोनों पैरेलल लाइन के लिए, तो यू विल बी गेटिंग फोर एंगल्स, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे दूसरे पे भी फोर एंगल्स मिलेगा, 5, 6, 7, 8। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि एक लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है ना, जैसे अगर 1 + 2, तो 1 + 2 का जो वैल्यू होगा वो 180 होता है, ठीक है? इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री को कंप्लीट करता है कोई, जैसे ये अगर ऐसा रहता ए और बी, तो ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और ए प्लस बी 90 होता है, ठीक है? ये भी याद रखने की चीज़ है, कभी कभी किसी से डायरेक्ट पूछता है, ठीक है? तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स फॉर दिस। तो आपके पास अगर 8 एंगल का सेट बना हुआ है, तो अगर आप इस वाले लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट करते चले जाओ तो एंगल्स तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि जो और एक चीज़ और भी आपको क्लियर होगा कि 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स एक जैसे होते हैं। तो अगर आप इसको शिफ्ट करते जाओगे और इस पे बैठा दोगे, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि 1 और 5 एक दूसरे से कॉइंसाइड कर गया, 2 और 6 कॉइंसाइड कर गया, 3 और 7 कॉइंसाइड कर गया, और 4 और 8 कॉइंसाइड कर गया। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर 8 एंगल्स, जो वैल्यू ऑफ एंगल्स है वो 2 ही वैल्यू लेंगी। कौन कौन सी? एंगल 1, 3, 5 एंड 7, ये सेम होगा, प्लस नहीं लिखना था यहाँ पे। एंगल 1, 3, 5 एंड 7 ये सेम होगा, और सिमिलरली 2, 4 और 6, 8 ये सेम होगा। और आपको ये भी पता है कि फिर 1 + 2 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 1 + 2 का सम 180 होगा, 3 + 4 का सम 180 होगा, 5 + 6 का सम 180 होगा, एंड 7 + 8 का 180 होगा। और इनमें से कोई भी पेयर, जैसे 3 + 8 ले लो, है ना, तो इसका भी सम 180 होगा। तो ये आपको ऊपर और नीचे का कोई भी ले ले तो 180 होगा। तो ऐसे करके आप विजुलाइज कर सकते हो पैरेलल लाइंस को, ठीक है? फिर हमने बताया कि नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा हमारा वो है ट्रायंगल्स के एंगल्स का। तो आपको ध्यान होगा कि ट्रायंगल की डिवीजन या ट्रायंगल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है, हम दो तरीके से डिसाइड करते हैं। पहला विथ रिस्पेक्ट टू देयर इट्स साइड्स, और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। तो अगर आप
सबसे पहला तो कंसेप्ट ये है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसके लिए हमने कैसे इसको डिफाइन किया था, कैसे इसको डिराइव किया था कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी, और ए से अगर बी सी के पैरेलल है ना एक लाइन डाल दें, है ना, ए एल पैरेलल टू बी सी, तो इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो अगर बी सी के पैरेलल है ये, तो ए बी और ए सी कैन एक्ट एज ट्रांसवर्स लाइन, मतलब उसको कट करने वाला लाइन है। उस केस में जो एंगल बी की वैल्यू है वो यहाँ ये और ये सेम हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली ए की वैल्यू है। तो एक ही लाइन के तीनों एंगल का सम आपको पता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो दिस प्रूव्स दैट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपका हमेशा 180 होगा। सो नाउ यू नो कि अगर हम राइट एंगल की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि दो राइट एंगल ही आपका ऑटोमेटिकली 180 बन जाता है ना। तो एक्स की वैल्यू फिर जीरो रखनी पड़ेगी, और किसी ट्रायंगल में एक 90 से ज़्यादा वाला वैल्यू नहीं, मतलब एक दो 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो अगर एक 90 से ज़्यादा है तो दो आपके 90 से छोटे वाले एंगल, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं ट्रायंगल को एक विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो पहले एंगल वाला देख लेते हैं। पहला तो वो ट्रायंगल डब्ल्यू आर टी एंगल मैंने लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल अगर हम ट्रायंगल डिवाइड करें, तो पहला तो वो ट्रायंगल होगा जिसके सारे साइड्स 90 से कम हो, ठीक है, और सारे साइड्स कह रहा हूँ सारे एंगल्स 90 से कम हो। और एक होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो सारे एंगल्स अगर 90 से कम है तो उसको हम एक्यूट एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर एक राइट एंगल है, यानी एक अगर 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और अगर एक 90 से ज़्यादा है तो उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी होगी दोनों को, ये एंगल के रिस्पेक्ट में डिवीजन है, ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक, बीच बीच में बोलते रहा करो, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड ये मेरे वीडियोस देख रही थी, उसको अपने पर्सनल फील्ड में थोड़ा थोड़ा मैथ के, सर आवाज बहुत कट रही है। मैं ये बता रहा था कि एक मेरी फ्रेंड है जिसको अपने प्रोफेशनल उसमें एग्जाम में एप्टीट्यूड की जरूरत थी, तो मेरा वीडियो देख रही थी तो बता रही थी कि तुम्हारे स्टूडेंट्स बोलते ही नहीं है, मुझे समझ में आता है तो मैं लैपटॉप के सामने चिल्लाने लगती हूँ कि मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तुम लोग से आवाज नहीं निकलता। कम से कम कटसी में तो बोला करो कि हाँ समझ में आया। सर अभी भी आवाज कट रही है और बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। पानी नहीं चाहिए, एक मिनट रुको सर। अभी कुछ ठीक हुआ? ठीक है अभी। ठीक है, बीच में बता देना जब भी डिस्टर्ब रहे साउंड को। तो विथ रिस्पेक्ट टू साइड हम फिर से तीन तरीके से डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को। एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और एक स्केलिन होगा। इसमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, आपका साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो और स्केलिन मतलब आइसोसेलेस में जब एन टू ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल तो उसको आइसोसेलेस बोलेंगे, और स्केलिन के जब तीनों साइड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। तो सर, हाँ आपकी आवाज के साथ कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है। कोई आवाज नहीं आ रही है,
अब बताना बैकग्राउंड आ रही है सर, थोड़ी बहुत आवाज तो आ रही है। किस चीज की आवाज थी? मेरे आसपास बिल्कुल शांत है। वो सर कनेक्शन की वजह से ही आ रही है अजीब सी। कनेक्शन भी ठीक समझ नहीं होगा कोई। तो मैं ये कह रहा था कि ये दो तरह के डिविजन्स हो गए ट्राइंगल्स के, एक विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एक विद रिस्पेक्ट टू साइड। और एंगल में आपने समझ लिया कि ऐसे मैं ए बी सी एंगल दे दूँ आप तो ऑल लेस देन 90 है। इसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 और रेस्ट टू एंगल्स आर लेस देन 90। इसमें वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90, रेस्ट टू एंगल्स आर लेस देन 90। ठीक है, तो अब एक चीज़ और यहाँ पे बात आती है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हें समझना, वो ये कि फॉर एनी ट्राइंगल अगर मान लो कि दो डिफरेंट साइड्स हैं, मान लो कि अगर हम एक एक फाइव की साइड्स ले लें और एक थ्री की साइड्स ले, तो फाइव और थ्री के साइड से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट ट्राइंगल बन सकते हैं, बट ये इनफाइनाइट या इन्फिनिटी जो है ये बाउंडेड इन्फिनिटी। बाउंडेड कैसे है कि ये इन्फिनिटी तो है बट देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन दिस इन्फिनिटी। तो जैसे अगर आप तीन की साइड इसी पे रख दो, इसी लाइन पे रख दो, तो ये पाँच का हो गया और ये तीन का हो गया। तो ये जो थर्ड साइड है अगर 2 सेंटीमीटर का है तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इट वोंट क्रिएट अ डिफरेंट एंगल हियर एनी ऑफ द कॉर्नर। तो अगर 5, 3, 2 अगर लेके चलते हो तो इससे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 - 3 2 होता है। तो अगर आप ऐसे इसको अरेंज करोगे 3 को इस पे, तो 2 की साइड मिलेगी और फिर वो इसी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो आपका जो तीसरा साइड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लाइन को थोड़ा भी उठाते हो, जैसे ये 3 का जो ऐसे करके अगर हम 3 की साइड को ऐसे मूव कराते चले तो ऐसा बनेगा। तो 3 के साइड्स को अगर आप थोड़ा भी उठाते हो तो तीसरी साइड अपने आप बड़ी हो जाएगी, तो ये आपका ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो जो थर्ड साइड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 5 - 3 से ज़्यादा होना चाहिए, और फिर अगर आप ऐसे मूव करते जाओगे इस तरीके से तो आपको नया नया ट्राइंगल मिलता जाएगा। ठीक है, आपको ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा, आपको ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एक ट्राइंगल मिल जाएगा, फिर आपको एक और मतलब ऑब्ट्यूज होता जाएगा, तो यहाँ से ऑब्ट्यूज होता जाएगा। तो ऐसे करके जो लास्ट ट्राइंगल मिलेगा जब आपको यहाँ पे 5 + 3 कर दोगे तो आपको तीसरी साइड 8 की रखनी पड़ेगी इस जगह से इस जगह तक। तो उससे फिर से आपको कोई वो नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 की साइड लोगे तो वो 5 और 3 को इतना स्ट्रेच कर देगा कि 8 उस पर कोइंसाइड कर जाएगा, 8 वाली लाइन तो इस पर कोइंसाइड कर जाएगा। तो आपका जो तीसरा साइड है दैट मस्ट बी लेस देन 5 + 3। तो आपको ये समझना है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो दो साइड्स का डिफरेंस है उससे बड़ा और दो साइड्स का सम है उससे छोटा होना चाहिए तीसरा साइड। तो ये रिस्ट्रिक्शन के साथ आप इन्फिनिटी ट्राइंगल बना सकते हो, चाहे आप जितने भी बना दो। तो इस केस में जो तीसरी साइड है वो 2 से बड़ी और 8 से छोटी होनी चाहिए। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी होती है बट यहाँ पे वो सारी वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करेगा, वैल्यूज की रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम 5 और 3 के साइड को लेके चलें तो कितने राइट एंगल बनेंगे? तो आपको दिखता तो एक ही है कि यहाँ पे बना, बट ऐसा नहीं है। एक ये भी केस होगा जब यहाँ पे जैसे ये वाला एंगल जो है, तीसरी वाली जो एंगल है, ये भी देखो एक एक कहीं पे आके एक जगह आपको 90 का बना देगा। तो दो 90 बनेंगे, उसमें एक तो ये होगा जहाँ पे 3x and 5 वेयर 5 विल एक्ट एज हाइपोटेनस, और एक आपका बनेगा 3, 5 और एक तीसरा साइड होगा जो हाइपोटेनस होगा। तो 2 90 के बनेंगे। ठीक है, अब इस वाले 90 के जो यहाँ पे 90 है उसके नीचे के सारे ट्राइंगल फिर से ऑब्ट्यूज होंगे
इस वाले 90 से इधर वाले जितने ट्राइंगल है फिर से ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो तुम्हें मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल, इसको इसको रिविजन करके तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इसका एक एक तुम्हारा तो फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज या दिस कंसेप्ट इज कि अगर हम दो साइड अगर फिक्स कर दे ट्राइंगल जैसे लेट से 7 and 11, तो पहले तो ये आएगा कि पहला क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी इंटीरियर साइड ट्राइंगल कैन बी क्रिएटेड विद दीज टू साइड्स, इंटीरियर साइड ट्राइंगल कैन बी क्रिएटेड विद दीज टू साइड्स, ठीक है। और दूसरा ये आएगा कि जितने भी आप बनेंगे उसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्यूट और हाउ मेनी ऑफ देम आर राइट एंगल। तो इसका आंसर राइट एंगल में दो मत दे देना, क्योंकि हो सकता है कि इससे एक भी इंटीजर साइड का राइट एंगल ना बने। तो आपको इन इनमें से अगर आप ऐसे लिखते हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, ठीक है। ये अगर आपको बताना है। और एक एक और इसमें क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आस्क है वो दो ही साइड के साथ आपको देगा कि जैसे तीन साइड के साथ देगा कि जैसे ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक और है जो आपको ऐसे पूछ सकता है कि अगर हम ऐसा लेते हैं 8, 11 and 17, ठीक है, तो इससे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं पहले ही बताओ। बनेगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंस ले तो 3 से बड़ा है, इसका सम ले 19 से छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस ले 6 से बड़ा है, और इस दोनों का डिफरेंस ले 9 से बड़ा है और सम से छोटा है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा और एक्यूट होगा और राइट एंगल होगा, अगर ये चेक करना है। तो आपको इसमें एक एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप दो छोटी वाली साइड ले लो, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूज भी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि जो हम ये सीरीज ऑफ ट्राइंगल्स बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि जैसे ये वाली जो एंगल है ये बढ़ती जा रही है जब तीसरी साइड बढ़ती जा रही है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि जो भी एक ट्राइंगल है, जैसे मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया, तो जो जो छोटा साइड है उसके सामने के एंगल सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट तो ये दे ही सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट ध्यान देना इस स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है। एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं लार्जर द साइड लार्जर द एंगल, लेकिन ये याद रखना ये प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर जैसे मान लो कि जैसे अगर दो साइड सेम है, जैसे मतलब मैंने बोला कि 4, 4, 3, तो ऑफ कोर्स इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल सेम होगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं कभी ये बोलता हूँ कि 4, 4, 2, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल में अगर जैसे ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 डबल नहीं है थीटा 2 से, साइड भले ही डबल, तो बड़ा हो सकता है बट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो एक तो जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, इस तरह से चलेगा। तो अब इस केस में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर कोई अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल भी है तो हाइपोटेनस क्या होगा, 17 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी एंगल 90 होगी। या अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल किसके सामने का होगा, 17 के सामने का होगा, है कि नहीं, बोलो दोस्तों के थोड़ा एनीवन कोई बोले, आया समझ में भुवन? हाँ जी सर आया, मैं तो हाँ हाँ कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा तुम चैट पे भी लिखा करो सब लोग। अनुभव तुम्हें समझ में आया? यस सर आ गया। हाँ जानवी तुम्हें? सर थोड़ा 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 क्या मोस्टली। मतलब तुम लोग पीछे रिवाइज करके क्यों नहीं आते हो, मतलब इतना इतना भी तुम लोग के पास टाइम नहीं है?
अभी पुराने वाले बच्चे ये सिस्टम देख के इतना रोते हैं कि हमारे टाइम में रिवीजन का ऐसा कंसेप्ट नहीं था, सेंटर आके आपसे पूछना पड़ता था, आप आ नहीं देते बच्चों को। हाँ, तुम लोग को इतना सारा फैसिलिटी मिला हुआ है, तब तुम लोग मुझे भाव नहीं देते। तो अब ये अगर चेक करना है तो हमें पता है कि इफ दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल तो 17 ही हाइपोटेनस होगा। तो वो जरूरी नहीं कि आपको हाइपोटेनस चेक करना, इज वेरी इजी। कोई भी एंगल राइट एंगल ट्राइंगल तब होता है जब आपको पता है कि उसके जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले 8 और 11 से एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो हमारा हाइपोटेनस का साइज क्या होगा? ये आपका जो ये बनेगा वो कितना बनेगा? 64 + 121 कितना होता है? 185। तो तीसरी साइड जो होगी वो रूट अंडर 185 होगी, है ना? तो थर्ड साइड जो होगा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो उसका एक साइड 8 होता, 11 होता, और तीसरा √185 होगा। तो √185 कितना होगा बताओ जरा सा? ऑलमोस्ट लमसम में 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 19 का कुछ होगा, 19 के अराउंड कुछ होगा, 19 कहाँ से आ गया? 13.8। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, 13.x के लगभग। कोई 20 का बात स्क्वायर ले लिया है। नहीं, तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने एक एक 8 का इधर बना दिया, ये 8 बना दिया, एक 11 बना दिया, और तीसरी साइड जो इसको हाइपोटेनस ले ली, और हमें ये पता चल गया ये 13.x। अब पॉइंट ये है कि अगर हम 8 वाले को इस साइड टिल्ट करेंगे, ऑब्ट्यूज वाले, है ना, मतलब जैसे हम इधर 8, यहाँ पे ये इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो जो ट्राइंगल है वो तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 90 था, इससे इधर एक्सटेंड हो गया तो 90 से ज्यादा बड़ी एंगल हो गई। तो जो तीसरा वाला साइड है, जो जो यहाँ पे 13.x था, वो भी तो बढ़ जाएगा ना, ये वाला तो बढ़ गया। तो अगर 13.x से बड़ी साइड है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 13.x, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर ये 8 वाले को इधर किए होते, है ना, इधर किए होते, तो जो तीसरी साइड है वो 13.x से छोटी हो जाती। तो इफ एक्स इज लेस देन 13.x तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, क्योंकि ये 90 से छोटा हो जाता, ठीक है? और बहुत छोटा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये स्टिल सबसे बड़ा साइड था 17 वाला। तो 17 वाला तो 13.x से बड़ा है। तो इस केस में ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, ठीक है? तो ये मेजर एक्सरसाइज थे तुम्हारे ट्राइंगल के इन सब कॉन्सेप्ट्स पे लेके, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू श्योर अदर। हाँ इसमें जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज एक्यूट राइट वाला, हाँ तो अब वो 7 और 11 को अगर हम लेकर के करें तो फिर वो कैसे करेंगे क्वेश्चन? मतलब देखो देखो हमने मान देखो, लिया कि जो थर्ड साइड होगी वो 4 से बड़ी होगी और 18 से हाँ कम होगी। तो टोटल कितने हो गए? जैसे जैसे 4 से बड़ा 5 हो गया, और 5 से लेके तुम्हारा 17 तक हो गया, ठीक है? हाँ जी टोटल 13 ट्रायंगल बने, ठीक हाँ जी है? अब हम पहले तो वो कर लेंगे कि पहले हम 17 को हाइपोटेनस मान के चेक करेंगे, हाँ ठीक जी है? और फिर हम 17 को 17 को हाइपोटेनस, और एक बार ये हो जाएगा कि जैसे बीच में कोई साइड रखेंगे, जैसे अगर तुम इसको बनाओगे ना, जैसे मान लो कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे इससे, एक एक तुम्हारा 5 और 17 को लेके बनेगा, ठीक है? और एक तुम्हारा 17 और 5 को लेके बनेगा, तो तीसरी वाली साइड निकलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्स निकलेगा उससे छोटा जो भी एक्स है वो तुमको ऑब्ट्यूज देगा, और जो यहाँ एक्स निकलेगा उससे बड़ा जो भी है वो तुमको ऑब्ट्यूज देगा, ठीक है? अच्छा एक बार फिर बता दो। मैं जो पहले बना रहा था ना, उसी से डराइव है कि जैसे आप अगर दो राइट एंगल कंसेप्चुलाइज करो कि राइट एंगल दोनों कहाँ पे, तो जैसे मान लो कि एक हमारा ये 17 है और 5 क्या चल रहा है, तो हमारा पहला राइट एंगल मिलेगा यहाँ पे, ये 5 हो गया, ये 17। तो अब ये वाला जो साइड है ना, जो ये निकलेगा एक्स, अगर एक्स से छोटा जो भी होगा, है ना, जैसे इस एक्स कैसे निकलेगा बताओ जरा सा,
ये 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा, 17 स्क्वायर कितना होता है? 17 स्क्वायर कितना होता है? 289. अरे जब याद नहीं है तो बीच में कैसे बोलने लगते हो? जिसको याद है उसको बोल लेता हूं 20. और इसको इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 65. 264. इसका रूट लेंगे तो ये कितना होगा? ये तुम्हारा 15 पॉइंट समथिंग होगा या 16 पॉइंट समथिंग? 16 के लगभग में. 16.2. 16 पॉइंट समथिंग. कोई कोई 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर हमें देखना है. समझ गया सर, समझ गया. तो ये जो तुम्हारा 16 पॉइंट एक्स है, इससे छोटा जितने भी हैं, है ना? जैसे ये हमारा है ना, जैसे ये तुम्हारा ये 16 पॉइंट एक्स यहाँ पे था, तो 16 वाला भी जो ट्राइंगल होगा ना, वो तुम्हारा क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज होगा. जैसे अगर ये एक्स छोटा कर देंगे तो ये फिर, जैसे अगर एक्स छोटा कर देंगे तो तुम्हारा यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन जाएगा. और एक तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे जो कि 5 और 7. सर आपको उन्होंने दो साइड 7 और 11 तो दे रखी है ना? ये हमारा 11 हो गया, ये हमारा 5 हो गया. जो फर्स्ट मेरा राइट एंगल आएगा उस समय आएगा हमारा 7. 11 7 7 तो 121 माइनस 49 कितना होगा? 72 होगा. तो 8 पॉइंट समथिंग हो गया. तो इससे छोटा जो भी है, तो इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा 8 होगा, इससे छोटा 7 होगा, इससे छोटा 6 होगा, इससे छोटा 5 होगा. तो ये चारों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे 7 वाला यहाँ डाल देते हैं तो एक और हमारा बन जाएगा, क्यूट हो जाएगा. ये ऑब्ट्यूज होगा ना, क्योंकि ये वाला जैसे छोटा करोगे तो ये वाली एंगल ना बढ़ जाएगी 90 से. जैसे जैसे ये ठीक है. हाँ जी हाँ जी, वो वाला एंगल बढ़ता जाएगा. हाँ, ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा. और इधर में हम जब ये वाला राइट एंगल बनाएंगे तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा? 11 स्क्वायर प्लस 49, मतलब 7 का स्क्वायर. तो 121 प्लस 49 ये कितना होता है? 170, है ना? और 170 का रूट कितना होगा? ये 13 पॉइंट समथिंग ही होगा, ठीक है? तो 13 पॉइंट एक्स है, तो इससे बड़ा जो भी है ना, वो हमारा फिर से ऑब्ट्यूज देने लगेगा. तो 14, 15, 16, 17 ये हमारा बड़ा हो जाएगा. मतलब ये चार इसके और चार यहाँ के, ये ऑब्ट्यूज हो जाएंगे, 8 हो गए. और बचे 5 ट्राइंगल जो बीच वाले पड़ते हैं वो एक्यूट हो जाते हैं. और राइट एंगल एक भी इंटीजर वाला नहीं है हमारे पास, ठीक है? हाँ ठीक है, वो 13.x पे बन रहा है. हाँ ओके सर. तो ये बेसिक ट्राइंगल का ये वाला था. साइड के लेंथ पे जो भी मेजर एक्सरसाइज है वो इसी पे पूछेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो ट्राइंगल का है वो हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स होगा. तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें बताता हूँ. किसी भी ट्राइंगल को लेकर आप अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो सामने वाले लाइन को कहीं ना कहीं मिलेगा. तो जैसे ए बी सी, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है और ए जो इसका एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ये इक्वल है, अगर डी पे मिलता है तो इसको एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे ए डी. और ये एक यूनिक कंसेप्ट है जिसका कोई प्रूफ हम तुम्हें नहीं देते. इनफैक्ट प्रूफ तो हम आज किसी भी चीज़ का नहीं देंगे, वो पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ, तुम जाके देख लेना. आई एक्सप्लेन ऑल दो. तो अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो साइड्स हैं जिससे एंगल क्रिएट हुआ है, ठीक है?
तो बेसिकली ये किस किस साइड से एंगल क्रिएट हुआ है, ए बी और ए सी से एंगल क्रिएट हुआ है, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये सेम रेशियो होगा बी डी, बी डी बाई डी सी का, ठीक है। ये ध्यान रहेगा तुम लोग को, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो बार बार यूज होता है, ठीक है। बोलो जल्दी। हाँ जी सर। सबको क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है, मतलब ये याद रहेगा, ये एकदम भूलना नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आती है बात ट्रायंगल के केस में, वो आती है दो चीजों की, कि एक है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। देखना एकदम की लर्निंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ध्यान में रखना है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो ट्रायंगल चीजें सेम होंगी, चीजें नहीं सब चीजें सेम होंगी। हाँ मतलब हाँ ऑब्वियसली हाँ, हम प्रूफ तब कर पाएंगे, हाँ प्रूफ तब कर पाएंगे, प्रूफ करने का जो भी तरीका तुम डेवलप करो, जो भी तरीका डेवलप करो तुम अपने से भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। बट ये है कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब है व्हेन एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है ना। अच्छा, तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तीनों एंगल अपने आप एंगल हो जाए, मतलब सेम। हाँ तो लेकिन तीनों एंगल अगर सेम है तो तीनों साइड सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहले चलो कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लेते हैं। व्हेन कॉन्ग्रुएंसी इज लाइक व्हेन एवरीथिंग इज सेम, यानी कि उस ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे ले जाके रखे तो कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, सारे एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एंड दिस यू कैन प्रूव बाय एनी मेथड, जैसे अगर आप तीनों साइड्स अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंसी है, दो साइड और बीच का एंगल सेम है तो भी कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दो साइड और बीच का एंगल डिफरेंट कर दोगे, है ना, तो आपको पता ही है कि दो अलग अलग ट्रायंगल बन जाएगा। अभी आपको बता ही रहे थे हम कि ये अलग ट्रायंगल है और ये अलग ट्रायंगल है, लेकिन अगर एंगल भी सेम हो जाता तो आपका ट्रायंगल भी सेम हो जाता। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का आप थोड़ा सा सोचोगे तो कोई भी ट्रायंगल आपको दिख जाएगा कि ये सेम होगा कि नहीं होगा। सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। सिमिलरिटी साइड का भी तो होता है ना, एंगल साइड। हाँ मतलब अगर अगर तुम अगर एक ही साइड पे दोनों एंगल का देखोगे, जैसे मान लो कि एक ही साइड पे दोनों एंगल का देखोगे, जैसे ये अगर साइड इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल भी दोनों बराबर है तो ऑफ कोर्स ही ठीक है, तीसरा वाला ऑब्वियसली हो जाएगा। हां ऑब्वियसली ये वहीं पे जाके काटेगा ना दोनों केस में। तो ये तो मतलब सिमेट्री से भी देखो, भगवान का भी सहारा है तुम्हारे पास, और भगवान तुमको बोलते हैं कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करो, तो जब हम दोनों एंगल सेम रख रहे हैं तो जाके उसी पॉइंट पे जाके मिलेगा ना जहाँ ऊपर वाले में मिला है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी मतलब डिस्क्रिपेंसीज इन दीज टू सिचुएशंस। तो आपको वो विजुलाइज करना है कि कॉन्ग्रुएंसी का, सिमिलरिटी का आपको ये ध्यान देना है कि सिमिलरिटी मीन्स एक जैसा मॉडल प्रारूप, है ना। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिए तीनों तरफ से तो आपका एक और ट्रायंगल बन गया, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिए तो आपका एक और ट्रायंगल बन गया। ऐसे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, वेयर देयर साइड्स आर नॉट इक्वल बट देयर एंगल्स आर इक्वल। तो ये सारे एंगल सेम होंगे, ये सारे एंगल सेम होंगे और ये सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स, ये सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी का क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सिंपल सा याद रखो कि जैसे अगर 6 फीट का एक इंसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता दिवस है ना आज, है ना, तो अगर वो याद रख लेना, आजकल टेस्ट वाले भी बहुत राइट विंगर क्वेश्चन पूछते हैं, तो एकता दिवस जो है हम लोग मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, ठीक है। तो अगर 6 फीट के आदमी को अगर तुम 60 फीट का, हालांकि 60 फीट नहीं है, इससे बड़ा है, तो 60 फीट का तुम अगर स्टेच्यू बना रहे हो तो इट बिकम्स 10 टाइम्स। तो आपको क्या पता है कि एवरीथिंग दैट
was there as a body part जो यहाँ पे हो सकता था, वो सब चीज 10 गुना होगा, 10 times हो जाएगा। हाँ, अगर नाखून यहाँ पे आधे इंच का है तो यहाँ पे 5 इंच का होगा, है ना। अगर आपका आपका मतलब एक फुट का राइट आर्म है तो आपका 10 फुट का होगा, राइट आर्म सब एक ही जैसा होता है ना। तो एनीवे मतलब एवरीथिंग विल बी 10 टाइम्स, ठीक है। तो अगर 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 इनके पैर का साइज 6 इंच का है तो या इसके पैर का साइज 16 इंच का होगा। तो आपको वो देखना है कि हर चीज, अगर आंखें भी 10 गुने होंगी, पुतलियां भी 10 गुने होंगे, कान भी 10 गुना होगा, तो एवरीथिंग विल बी 10 टाइम्स। तो ये सिमिलरिटी को बनाने के लिए हमें साइंस सारे साइड्स को एक ही प्रोपोर्शन में आगे बढ़ाना होता है। तो वही सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे कि जैसे अगर ये वाली साइड मान लो एक्स है, ये वाली साइड वाई है, ये वाली साइड जेड है, तो अगर आपको पता है कि दूसरे ट्राइंगल का अगर ये 2x है ना, जैसे मान लो एक रेशियो मैंने बता दिया कि डबल हुआ है, तो एवरीथिंग विल गेट डबल, 2y 2z, नॉट ओनली साइड। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि आपने एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल बना दिए, इसका 2:3 का रेशियो है, तो जैसे मतलब 2x 3x कर दिया, तो अगर ये 2y है तो ये 3y होगा, अगर ये 2z है तो ये 3z होगा, और इनफैक्ट नॉट इवन साइड्स, अगर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें तो ये अगर 2h है तो ये 3h होगा, है ना। अगर ये एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करें या मीडियन ड्रॉ करें, हर चीज साइड के रिस्पेक्ट में एवरीथिंग विल गेट will go in the same ratio. तो दो सिमिलर ट्राइंगल को हम डिफाइन करते हैं उनके रेशियो से, जैसे ये अगर ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 1 है और दे आर सिमिलर, तो हमको बोलते हैं 1:2 is 2:3, ठीक है। तो सिमिलरिटी का हो गया। दूसरी चीज क्या है कि सिंस आपको पता है कि सेम प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी दो इंडिविजुअल साइड्स का भी रेशियो अगर निकालोगे, जैसे 2x/2y करोगे तो bx/y होगा, 3x/3y करोगे तो bx/y होगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो भी लेंगे तो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो एक तो ट्राइंगल का रेशियो हो गया, और एक दूसरी चीज जो सिमिलर ट्राइंगल से क्लियरली आइडेंटिफाई या विजुलाइज कर सकते हैं हम, कि साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो जैसे अगर आपको पता है कि जैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया, तो इसमें कैसे लेते हैं साइड्स, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, एंड इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। क्योंकि होता क्या है कि आपके जो वो है ना सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे वो अलग अलग जगह पे दिखेंगे, तो आपको तो पहले प्रूफ करना होगा कि सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर होने के लिए एनी हाउ आपको ये कर देना पड़ेगा कि उसके सारे एंगल सेम है, तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बना दिया, और आई एम नॉट मेकिंग दिस ट्राइंगल इन स्केल, ठीक है, हम इसको स्केल में नहीं बना सर, अगर सर दो ट्राइंगल्स हैं, उसके दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हम उसकी रेशो भी तो सिमिलर की उसमें ही लेते हैं। हाँ, तो दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा ना, वो अलग क्यों होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ आ गया समझ। तो जैसे देखो, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को स्केल में नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको अगर अगर कभी, लेकिन आपको ये पता है कि ये एंगल वन कर दिया मैंने, इसका एंगल का नाम रख देना, मैं मान लो कि ये दो कर दिया, ये दो कर दिया, ये तीन कर दिया, तो ये तीन कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो अगर जैसे AB/AC लूँ, तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का दो साइड लेना पड़ेगा जो सेम रेशियो में होगा, कौन सा होगा। तो AB लिया है मैंने एंगल 3 के सामने वाला, तो इस ट्राइंगल में एंगल 3 के सामने वाला कौन सा है, PQ है। सिमिलरली मैंने AC लिया है, तो AC जो है वो 2 के सामने वाला है, तो इस ट्राइंगल में 2 के सामने वाला कौन सा है, PR। तो तुमको ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है कि जब हम, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कोई भी कर देना, जैसे इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, PQ/QR नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपको कॉरस्पेंडिंग साइड्स ही लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, तो ये नहीं ले सकते, सिर्फ आप ये ले सकते हो। और एक दूसरी चीज आप क्या जानते हो, वो ये है कि ट्राइंगल का रेशियो, तो मतलब ये तो साइड्स का रेशियो का आपस में कंसेप्ट, और एक होता है ट्राइंगल का रेशियो विच सेज कि अगर AB:PQ अगर ये 3:4 है तो सारे साइड्स उसी रेशियो में होंगे, इवन हाइट्स भी उसी रेशियो में होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना, तो सिमिलर ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने,
आ जाएगा तुमको, somehow you need to make all the angles same. तो similar triangle मिल जाए, बन जाएगा. एक बार similar triangle बन गया तो आपको कहीं ना कहीं से identify करना होगा कि उनके sides का ratio क्या है, मतलब triangle का ratio क्या है. तो आप हमेशा किसी similar triangle को उसके ratio से identify करना चाहिए कि if they are similar, what are the ratio. ठीक है, तो वो चीज तुम्हें अगर देखना आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी उसके. फिर उसके बाद आता है सर, एक मिनट, अगर सारे वो एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे तो साइड सारी सेम वो रेशियो की होंगी क्या? साइड सारी रेशियो में ही होंगे क्या? हाँ, करेक्ट रेशियो. हाँ, तो अगर अगर एंगल सेम है ना तो तुम कुछ और बना ही नहीं सकते, उसको कोइंसाइड ही करना, मतलब कोइंसाइड नहीं, एक दूसरे को वो करना पड़ेगा. ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा. हाँ, ओके, ठीक है. तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड वो हो गया. अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो तुमको ध्यान रखना है, और बेसिकली दैट विल बी द एंड ऑफ ट्रायंगल एक्चुअली, मतलब सेंटर की बात ना करें. ठीक है, वो ये बात है हमारा कि तो इसमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिराइव करने के लिए हम एक पहले उस पे जाते हैं, पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर एक कोई ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक एबीसी, एबीसी, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्योरम नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट. आप एक एबीसी कोई भी ट्रायंगल ले लो और इसके किसी भी साइड से, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर आप तीसरी साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करो तो वो सामने वाले साइड पे मिलेगा कहीं ना. सो व्हाट आई नो इज कि ये आपका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है. ठीक है, तो इसको अगर आप पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, इसको पैरेलल ड्रॉ कर, तो आप पैरेलल होने की वजह से क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, और ये एंगल भी सेम हो गया, और ये एंगल तो है ही. तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल और इसको हमने रख दिया क्यू, ए पी क्यू और ए बी सी. ये ध्यान रखना, पहले इस बार मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, यानी कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ किया है मिड पॉइंट से. सो व्हाट आई फाउंड, टू ट्राइंगल्स, एक ए पी क्यू. ध्यान देखना, विजुलाइज करो, खूब घूर लो इसको, जितना घूर सकते हो घूर लो. दो ट्राइंगल बना, क्यों? क्योंकि हमने ए बी के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की तीसरे साइड की पैरेलल, विच वाज पैरेलल टू बी सी, और हमने उसको मिला दिया सामने वाले साइड पे क्यू पे. तो मेरे पास मिलेगा दो ट्राइंगल विच इज ए बी क्यू. दिख गया सबको ए पी क्यू? मत और एक एक बड़ा ट्राइंगल तो है ही जिसको हम लेके चल रहे थे, विच वॉज ए बी सी. सो वॉट आई कैन मतलब से फॉर बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल, तीनों एंगल देखो तो सेम है ना? दिख गया तुम लोग को तीनों एंगल सेम? क्यों सेम है? क्योंकि पैरेलल है ना? तो हाँ, बोलने के लिए किसी को कौन से एंगल? देखो तीनों, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल, तो कौन से का कोई मतलब ही नहीं है, तीन तीन एंगल ही होता है दोनों ट्रायंगल में. अच्छा, ओके, मुझे लगा आप कोई थ्री स्पेसिफिक एंगल्स बोल रहे थे पूरे में से. मतलब तीन तीन ही है ही, तो तीन तीन ही आपस में बराबर है, दो तो पैरेलल लाइन की वजह से और एक कॉमन एंगल होने की वजह से. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर. सो नाउ व्हाट आई नो इज कि ट्रायंगल एपीक्यू is similar to triangle ABC. इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो. No sir. No sir. मैं इसको बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें तरीके से समझा रहा हूँ. ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है,
आपको दिख गया ये सिमिलर है, तो सिमिलर है तो दोनों साइड्स का, अब हम सिमिलरिटी के बाद क्या खोजते हैं कि इस ट्राइंगल का रेशियो मिल जाए, और रेशियो मुझे कहाँ से मिलेगा, इस साइड से मिलेगा एबीपी से। तो दो साइड का रेशियो एपी इज टू क्या लेना पड़ेगा हमें, अगर हम एपी ले रहे हैं तो दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या लेना पड़ेगा, एबी, एबी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल थ्री के सामने वाला लिया मैंने एपी, तो एंगल थ्री के सामने वाला लेंगे हम एबी। तो एपी और एपी का रेशियो क्या है, तो अगर ये दोनों 1:1 है तो एपी इज टू एबी 1:2 हो जाएगा। दिख गया तुम लोगों को, अगर ये 1:1 में है तो ये और पूरा 1:2 में हो जाएगा, हो जाएगा ना। Yes. बहुत गलती करते हैं लोग, ट्रायंगल का रेशियो भी 1:1 ले लेते हैं, विच यू कैन टेक, क्योंकि साइड जो है एपी और पीबी 1:1 है, तो एपी और एबी लोगे तो 1:2 होगा। सब लोग बोलो तो चैट पे लिखो तो आपको समझ में आ गया। Yes, sir. जानी तुम्हारे वाले में बहुत आता है, तो तुम तो लिखा ही करो, ठीक है, वेरी गुड, सब लोग 10 लोग तो है ही, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये रेशियो है ये ट्राइंगल का रेशियो नहीं है, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रेशियो, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल का रेशियो पता चल गया, तो यही रेशियो सब जगह फॉलो होगा, अगर हम ए क्यू इज टू, इसीलिए दिस इम्प्लाइज ए क्यू इज टू ए सी, ये भी 1:2 होगा, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल का रेशियो सेम ही होगा हर जगह। और अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:1 होगा, होगा ना, अगर ये 1:2 है तो ये अपने आप ही 1 दे देगा, ठीक है। तो ये तो हमसे डिराइव कर लिया हमने, और ये आपको 1:1 मिल गया। तो इसी को मतलब मोस्ट फेमस ये मिड पॉइंट थ्योरम है, है ना, इट सेज कि मिड पॉइंट थ्योरम है, इट सेज कि अगर हम, इसके दो तरीके से कहने के तरीका है, पहला तो स्टेटमेंट हमने ऐसे चलाया कि अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो सामने वाले के मिड पॉइंट पे ही मिलता है, ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हम फिर से लेंगे एक ट्राइंगल, ध्यान देना ये बहुत ही मस्त है कंसेप्ट और इसका बहुत यूज है, और व्हेन आई विल जनरलाइज दिस तब तो फिर तुम्हें और भी मजा आ जाएगा कि वाह सर आपने क्या काम कर दिया। तो ये मत समझना कि सब लोग करते हैं, मैं ही करता हूँ यहाँ पे, तो सब लोग पढ़ लेते हैं अलग बात है, लेकिन हम लोग जो है बिना मैथ्स कर सकते हैं, तो हमारे लिए मैथ्स नहीं है। तो इसी को दूसरा तरीका क्या है कि हम पिछली बार मिड पॉइंट से पैरेलल चले थे, इस बार दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो फिर से हमारे पास ए है, बी है, सी है, ए बी का मिड पॉइंट है पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, है ना। तो अगर हम ये मिलाएंगे, अच्छा पिछले वाले में एक चीज और ध्यान दो, जो तीसरी साइड है पी क्यू, वो भी तो पी क्यू इज टू क्या लेंगे हम, पी क्यू के साथ क्या लेंगे, बी सी लेंगे, है ना, तो ये भी 1:2 होगा, है ना। और तो ये तुम्हें पता चलिए कि जो ये बीच वाला जो साइड मिला है मुझे PQ, वो तीसरी साइड की आधी होगी, पैरेलल तो है ही आधी होगी। इस केस में हमने मिड पॉइंट से ही दोनों का मिड पॉइंट से खींचा, तो तुम समझ ही रहोगे कि अब हम रिवर्स में प्रूव करना चाहते हैं कि फिर से ये आपका सिमिलर है एंड फिर से ये एंगल सेम होंगे और फिर से ये मिड पॉइंट का मतलब तीसरे वाले साइड का आधा होगा। तो इसको कैसे करेंगे सिमिलर प्रूफ, तो आपको क्या पता है कि अगर दो साइड्स, जैसे यहाँ पे क्या है, इस छोटे दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल एबीक्यू, एक ट्राइंगल एबीसी, है ना, जरा सा होल्ड करो,
ठीक है, ये दो ट्राइंगल मुझे मिला एपीक्यू और एबीसी, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा, तुम ध्यान जरा भूल लो तेज क्योंकि इसी तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा। दो ट्राइंगल मुझे मिला और मुझे ये पता चल गया कि चूंकि ये मिड पॉइंट है तो मुझे ये पता है कि एपी इज टू एबी, ये कितना होगा मिड पॉइंट है तो 1:2। और इधर हमने देखा ए क्यू इज टू ए सी, ये भी कितना होगा 1:2। एंड एंगल ए दोनों का सेम ही है, तो दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल सेम है तो फिर से ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका एसएएस रूल से सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो गया कि साइड्स के रेशियो सेम है, और ये साइड सेम नहीं है, एसएएस कॉन्ग्रुएंट में भी होता है और एसएएस सिमिलरिटी में भी होता है, बट यहाँ पे एसएएस का मतलब होता है साइड्स का रेशियो और कॉन्ग्रुएंसी में होता है साइड सेम होने चाहिए, तो एसएएस रूल लग गया तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल होने का मतलब क्या है, तीनों एंगल बराबर होगा, तो यानी कि अगर ये एंगल 1 है तो ये 2 है और ये 3 है तो ये भी 2 और ये भी 3 होगा। ठीक है, और फिर आपको पता चल गया कि सिमिलर है तो अगर ये दोनों साइड्स का 1:2 है तो तीसरी साइड का भी 1:2 होगा, विच इज पी क्यू इज टू बी सी, ये 1:2 होगा। एंड चूंकि ये एंगल टू है और ये एंगल थ्री है, यानी कि ट्रांसवर्स की तरह यू वो हो रहा है, सो हो रहा है ये, तो ट्रांसवर्स की तरह सो हो रहा है तो पी क्यू और पी सी भी पैरेलल हो गया, इसलिए तो बस यही है कि इसी थ्योरम का थोड़ा उल्टा सोच है ये दोनों सेम चीज है, कहने का तरीका बस डिफरेंट है। ठीक है, अब जो ये पूरा हमने कांड किया है 1:1 लेके, अगर हम यहाँ पे कोई भी रेशियो लिए होते तो वो इट वुड हैव बीन अ ट्रू फैक्ट। ठीक है, मतलब अगर हम मिड पॉइंट की बजाय अगर 2:3 में लिए होते, ठीक है, और हम ये बोलते हैं कि 2:3 में आपने एक ड्रॉ किया, फिर से पी एक पॉइंट लिया, जाके क्यू पे मिला और ये 2:3 है, तो ये अगर पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तीसरे वाले से तो ये फिर से सामने वाले को 2:3 में काटेगा, है ना, तो ये जनरलाइजेशन हो गया। और फिर से ये इसकी भी जो होगी इस साइड की रेशियो होगी, अब बताना कोई बताना पी क्यू इज टू बी सी क्या होगा, आखिर तुम बताओ PQ is to BC क्या, BC क्या होगा, बोलो 1:2 2:5 ट्राइंगल का रेशियो 2:5 बन रहा है ना। हाँ आ गया समझ, ये 2 है और 2+3 5 है, तो ये 2:5। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि किसी भी ट्रायंगल में मतलब ये जो 1:1 का रेशियो है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का जो ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, जनरलाइजेशन। अब इसमें एक चीज और बात है जो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल तुम ले लो, ठीक है, जिसके साइड का रेशियो जो है, अगर आपकी हम यहाँ लेते हैं पर और ये देखते हैं 2 साइड का रेशियो, तो हाइट का भी रेशियो क्या होगा, ये अगर h है तो ये क्या होगा 2h होगा, तो अगर ये b है तो ये 2b होगा, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो हाफ इंटू बी इंटू एच होगा, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो हाफ इंटू 2b इंटू 2h होगा, यानी बेस भी 2 टाइम हो गया और हाइट भी 2 टाइम हो गया, यानी अगर हम एरिया देखें तो जो इनका रेशियो है, जैसे अगर रेशियो 1:2 का है तो एरिया का रेशियो 1:4 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइड का रेशियो हो जाएगा और ये एरिया का रेशियो होगा, तो अब मुझे बताओ कि पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर 1:2 पेरीमीटर 2 कितना होगा, नहीं 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 एनीवन ट्वाइस हो जाएगा, हाँ 1:2 ही होगा, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर तो साइड जोड़ने से बनता है ना,
तो अगर साइड साइड जुड़ रहा है तो उसका रेशियो 1:2 ही होगा, वैसे भी कॉमन होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी सर। बाकी लोगों को लिखो चैट में फटाफट। यस सर। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लेक्चर तो तुमने सुन लिया, थोड़ा टाइम दे दो और जाकर डिटेल वाले भी लेक्चर भी देखो, उसमें भी यही सारी चीज़ें बताए हैं। प्रॉब्ली इस बार हम और अच्छे वर्ड्स में बता रहे हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन है, स्लोली एक्सप्लेन है। तो अगर आप स्मार्ट हो, आप जल्दी सीख रहे हो, तो स्किप करके देखो। यूट्यूब हैज गिवन यू अ वेरी गुड टेक्निक टू फॉरवर्ड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। एक बार राइट दबाओगे राइट वाला एरो पे तो 10 सेकंड और पड़ेगा, तो आप ऐसे पढ़ा पढ़ा के अपना देखिए जो टाइम है स्लो कर सकते हो, या फिर आप 1.25 की स्पीड से भी देख सकते हो अगर आप स्मार्ट हो, नहीं तो आप पूरा पूरा टाइम दे दो। ठीक है, पर देख लो, देखने से आपको वो पड़ेगा, कंसेप्ट पड़ेगा, फिर आप एक्सरसाइज करना। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट थ्योरम एंड उसका जनरलाइजेशन एंड हाउ टू यूज ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट। ठीक है।